जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसा है, सब ठीक ठाक से? दोस्तों आज बातचीत कर रहा हूं एसएससी जीडी मेडिकल, गर्ल्स का मेडिकल कैसे होता है, क्योंकि मैं पहले भी पिछले साल में बनाया था गर्ल्स के लिए मेडिकल, इस बार कोई मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाया आप लोगों के लिए। आज बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैं आज इस वीडियो में बना रहा हूँ और आप लोग अच्छे से सुन लीजिए क्या क्या सेक होता है। बहुत आदमी का डाउट भी होता है, जो फर्स्ट मेडिकल देने वाला है उनका भी डाउट हो रहा है कैसे होगा, डॉक्टर कौन रहेगा, लेडीज या जेंट्स रहेगा, मतलब बहुत क्वेश्चन है। और मेडिकल कैसा होता है, हार्ट या इजी, किसी का दांत का प्रॉब्लम, किसी का आँख का प्रॉब्लम, किसी का नाक में प्रॉब्लम, किसी का हैंड में प्रॉब्लम, बहुत आदमी का नौकनी प्रॉब्लम हो रहा है, पूरा बहुत आदमी का प्रॉब्लम है। अभी 17 तारीख से आपका मेडिकल स्टार्ट होने वाला है और आप लोग इतना दिन के अंदर आपका ठीक कर पाएगा क्या नहीं, वो भी मैं बात बताऊंगा। कौन सा मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा पॉइंट आपको ध्यान देने वाला है। और मेरा चैनल में नया जुड़ा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबा देना। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, आज सिर्फ गर्ल्स के लिए मैं बनाया हूँ और जेंट्स भी देख सकता है, इसमें कोई ऐसा बात नहीं, क्योंकि मेडिकल तो सभी को पता ही क्या क्या सेक होता है। चलिए तो फिर वो स्टार्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट शुरू में बातचीत करूँगा, जैसे आप लोगों का गर्ल्स मेडिकल जैसे स्टार्ट हो जाएगा आपका, पहला पॉइंट आपका क्लियर कर देता हूँ। फीमेल या मेल के डॉक्टर होता है, फीमेल डॉक्टर होता है और फीमेल स्टाफ होगा आपका मेडिकल के टाइम, आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा बात आ जाता है, मेडिकल क्या फर्स्ट सेकेंड करेगा आपको, पहले दोस्तों होता है आपको हैंड, आपको मेडिकल टेस्ट होगा। हैंड मेडिकल कैसे टेस्ट होता है, आपका जो ये एल्बो है, एल्बो आप लोगों का सीधा आप लोगों को देखेगा और उसमें 20 डिग्री तक आपको चल जाएगा और आप लोगों का कोई इसमें जिसका मतलब 20 डिग्री से भी ज़्यादा है उनको रिजेक्ट कर सकता है। एल्बो नहीं लग इसमें दोनों का जैसे आप लोगों को नहीं लगना चाहिए, दोनों एक ही साथ लग गया तो आपको निकल सकता है। आप साइड में भी देखिए, मैं आप लोगों को फोटो भी दिखा रहा हूँ। एल्बो टेस्ट करेगा ज़रूर, उसके बाद आपको जो हार्ट का जो वाइब्रेशन होता है क्या वो भी देखेगा, किसी का कंपन होता है उसमें भी आपको निकल सकता है। इसके बाद उंगली बराबर होना है, 5 उंगली, और ये वाला उंगली भी आपको आना होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि सभी ठीक होना चाहिए तभी ये वाला उंगली भी जरूर देखेगा, क्योंकि ये ट्रिगर उंगली है, ट्रिगर दबाने के लिए ये उंगली है, इसलिए दोस्तों आप लोगों को वो भी ध्यान देगा। इसका बाद आ जाता है, बहुत आदमी का लेडीज हो बा मैन हो पसीना निकलता है, पसीना निकलने से भी आपको अनफिट कर सकता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। ऑयल वाला चीज़ आप लोग नहीं इस्तेमाल करना है, अभी थोड़ा सा गैप्स दीजिए, ऑयल्स वाला ये सामान खाने से आप लोगों का ये प्रॉब्लम हो सकता है ज़्यादा। इसका बाद आ जाता है हैंड मेडिकल, जैसे आप लोगों को ये जॉइंट भी से करेगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें आपको एक्सरे नहीं करेगा हाथ में, सिर्फ सीधा ही देखेगा किसी का ये उभरी हुआ हिस्सा, जो बीच वाला है उभरी हुआ हिस्सा उठा तो नहीं ज़्यादा, ये सब कुछ देखेगा दोस्तों। इसका बाद आ जाता है आपको कान का मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, हार्ट के बाद कान का मेडिकल टेस्ट कैसे होता है। कान में इतना ताफ नहीं है, एक मशीन से आपको देखेगा आपका साफ सुथरा है क्या नहीं, कान में आपका पर्दा फटा हुआ तो नहीं है, किसी का व्हाइट स्पॉट तो नहीं है, मतलब अच्छा से सुनाई देता ही नहीं, कैसे आप लोगों को चेक करेगा दोस्तों। जिसका व्हाइट स्पॉट ज़्यादा है तो आप उनको भी रिजेक्ट कर सकता है, नहीं तो जिसका कान का पर्दा फटा हुआ है उनको भी रिजेक्ट कर सकता है, इसलिए तो आप पहले से डॉक्टर को दिखा के आप ट्रीटमेंट करके मतलब मेडिकल के लिए चले जाना, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर भी सकता है, कोई इसमें कोई यानी किस्मत जिसका ठीक है वही पास हो सकता है। इसके बाद सर कान में कैसे चेक होगा, एक नोटबुक ऐसे रखेगा, दूसरा कान से आपको पीछे से कोई आवाज़ देगा, आपको सिपाही हो कोई हो डॉक्टर हो आप लोग आपको बोलना पड़ेगा क्या बोल रहा है, सुनाई दिया कि नहीं, वो ऐसे आप लोगों को टेस्ट करेगा दोनों कान में ये। और इसका बात आ जाता है आपको दांत मेडिकल टेस्ट में, बहुत आदमी पूछ रहा है मुझे सर दांत में क्या है, अभी कैसे मैं पास करूँ, मेरा कीड़ा लग रहा है, कोई बोल रहा है मेरा दांत मतलब प्लास्टर क्या है क्या होगा, 28 दांत होना चाहिए। फीमेल्स कैंडिडेट के लिए भी सभी का मेडिकल एक ही है, 3 उंगली ऐसे मुंह आपको खोलना चाहिए, 3 उंगली देके आपको देखेगा, मतलब आपका खुद का उंगली से आपको देखेगा मतलब आपका कितना मुंह खुला रहता है। इसका बाद आ जाता है आपको दांत 28 होना चाहिए, उसमें आपको एक या कई एक आपको एक दो के अंदर आपका नहीं है तो अब आपको दिक्कत नहीं पड़ेगा, ज़्यादा है आपका 28 कोई दिक्कत नहीं है, कि सामने वाला दांत प्रॉपर होना चाहिए, साइड में आपका नहीं है चल जाएगा आपका, और किसी का कीड़ा एक में लगा हुआ है या दो में लगा है उसमें भी चल जाएगा, ज़्यादा जिसका प्रॉब्लम है ना जिसका खून निकल रहा है दांत से उनको रिजेक्ट कर सकता है, जिसका कैप लगा हुआ है उसमें भी चल जाएगा, ज़्यादा कैप लगा हुआ है 2-3 से ऊपर तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, साइड वाला दांत से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, सामने वाला दांत तो बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों। और जिसका टेन खून नहीं आना चाहिए, खून आने से आप लोगों को रिजेक्ट कर सकता है, थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना है।
इसका बात आ जाता है आपको मुंह से बदबू नहीं आना से, इसलिए थोड़ा सा साफ सुथरा अच्छा से आप लोग करके जाना है, ब्रश अच्छा से लगाना है, टूथ ब्रश अच्छा से साफ सफाई रखना है। इसका बात आ जाता है नाक का मेडिकल। नाक का मेडिकल लिए जो हड्डी है ये सीधा होना चाहिए, इसमें किसी का टेढ़ा रहता है उसमें होने से भी प्रॉब्लम हो सकता है। और आपको ऐसे नाक ऐसे करके भी देखेगा दोनों साइड, आपका कोई मांस तो बड़ा हुआ नहीं है। साइनस का जिसका प्रॉब्लम, डीएनएस का प्रॉब्लम जो है हल्का फुल्का में चल जाएगा, जिसका पूरा ब्लॉक है दोनों तरफ वो आदमी रिजेक्ट हो जाएगा। कहीं एक जगह में एक साइड में है आपका बड़ा हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना हल्का सा होने से चल जाएगा, ज़्यादा होने से प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए पहले से आप जो भी करना चाहते हैं आप ट्रीटमेंट कर लेना डॉक्टर को दिखा के। इसका बाद आ जाता है दोस्तों आई टेस्ट। आई टेस्ट मेन होता है मेडिकल का, 6x6 होना चाहिए, 6x9, 6x6 होने से आप पास हो सकता है, 6x12, 6x18 जिसका है वो आदमी अनफिट हो जाएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप लोग थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना है। इनका बात आ जाता है आपको मेडिकल कैसे होता है, आई टेस्ट कैसे होता है। आई टेस्ट आपको देखने 6x6 जैसे आप लोगों को शर्ट, आप लोग साइड में देखिए शर्ट भी आपको रहेगा, और आप लोगों को पहले से ऐसे भी पूछ सकता है ऊपर ये क्या है, नीचे क्या है, बीच में क्या है, ऐसे ऐसे भी पूछ सकता है। नहीं तो आप लोगों को ऐसे भी बोल सकता है ऊपर से नीचे तक एक बार बोलो, नीचे से ऊपर तक बोलो, ऐसे बोलने से तो ठीक ही है। तो अभी आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, और जिसका मतलब प्रॉब्लम है ना आप अभी से सॉल्यूशन कर लेना, क्योंकि मेडिकल में आपको 110% आपको क्या अनफिट करेगा, जिसका 6x12 है 6x18 है, किस्मत में जिसका है वही कैंडिडेट पास हो सकता है। ये हो गया आपका। इसका बाद आ जाता है जो आपको जो कलर विजन है वो बचपन से पैदा सीज बीमार है, वो ठीक नहीं होता है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को क्या है, कलर विजन में भी बहुत कैंडिडेट को रिजेक्ट होता है। अभी देखिए बहुत गर्मी है और तब भी आप लोगों में वीडियो में बना रहा हूँ। कलर विजन में क्या है, नज़दीक से चीज़ भी उसको दिखाई नहीं देता है, नंबर भी रहेगा आपको कलर के अंदर, और आप लोगों को पता होना चाहिए, वैसे आप लोग देख लीजिए साइड में। उसका बाद आ जाता है आपको जो पुटली है कलर, ये पुटली आई का पुटली की भी चेक करता है, जैसे ऐसे कलम देके भी, मतलब हिलता ही क्या नहीं आपका आई का जो पुटली है, और वैसे भी चेक करेगा। इसमें भी जिसको प्रॉब्लम मिलेगा उनको भी मतलब ये कर सकता है, अनफिट कर सकता है। इसका बाद क्या आ जाता है, इसका बाद आपको क्या है, फीमेल कैंडिडेट है तो आप लोगों को तो पता है क्या क्या चेक होता है। आपका ब्रेस्ट जो है टेस्ट होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, बहुत आदमी का कैंसर भी होता है, ब्रेस्ट कैंसर बोलता है उसको, इसलिए उसमें डॉक्टर अच्छे से उसको क्या है टेस्ट करता है। कोई आपका मतलब इसमें आपको कोई बीमारी तो नहीं है। तो इसका बाद आ जाता है आपको एक्सरे भी करेगा चेस्ट में, क्योंकि एक्सरे तो करता है, कोई हड्डी तो कहीं क्रैक तो नहीं है, कहीं टूटा मतलब तो नहीं है, इसलिए वो भी करेगा। इसका बाद आ जाता है आपको नोकनी प्रॉब्लम तो बहुत ज़रूरी है। नोकनी प्रॉब्लम जिसके वो अनफिट हो जाएगा, मैं पहले भी आपको लोगों को ट्रिक बताया हो, और आप लोगों चाहे तो आप कमेंट बता देना, मैं आप लोगों को वीडियो का लिंक मिल जाएगा। नोकनी प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्रिक के लिए आप लोगों को अनफिट हो जाता है, ट्रिक पता होना चाहिए आपको। कोई इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं, थोड़ा सा 5 मिनट मेहनत करना है बस, वो दिमाग में रहना तब आराम से पास हो जाएगा नोकनी प्रॉब्लम में। इसका बाद आ जाता है को फ्लैट फूट भी चेक करता है, फ्लैट फूट जिसका प्लान है उनको भी अनफिट करता है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग क्या करना है, जिसका प्रॉब्लम है ना कॉस्को बोल लाना है, उसका ऊपर आपको डेली खड़ा रहना है। अभी जब तक आपका मेडिकल है तब तक आप डेली कोशिश कीजिए 15-20 मिनट डेली आपको जो बीच वाला हिस्सा है उसका ऊपर खड़ा रहेगा, वो आप लोग का फ्लैट फूट का भी प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। इसका बाद आ जाता है आपको प्राइवेट पार्ट, लेडीज़ का भी प्राइवेट पार्ट चेक होता है, जैसे जेंट्स का होता है लेडीज़ का भी होता है, और तो स्वाभाविक है, नॉर्मल है। कोई भी आपका मेडिकल है फोर्स में, आपको तो मेडिकल वो प्राइवेट पार्ट भी चेक होना है। प्राइवेट पार्ट चेक कौन करता है, वही है लेडीज़ महिला डॉक्टर ही होता है, लेडीज़ ही डॉक्टर होता है चेक करने वाला, और इसमें आप लोगों को सब कुछ देखेगा। बहुत आदमी पूछता है पीरियड्स के दौरान भी सर होता है क्या, पीरियड्स के दौरान आपको नहीं चेक करेगा, आपको पहले बोल देगा इतना डेट को आ जाना आप, वैसे आप लोगों को बोल देगा। इसका बाद आ जाता है आपको पाइल्स का टेस्ट भी होता है, पाइल्स में भी आप लोगों को थोड़ा सा देखना है, जिसका खून आता है उसको निकल सकता है हल्का फुल्का में, स्किन टैग में आपका चल जाएगा, इतना कोई ये नहीं है, ज़्यादा जिसका प्रॉब्लम है ना वही आपको लोगों को पाइल्स में भी निकल सकता है। इसका बाद आ जाता है दोस्तों फेरिकोस वेंस, जो पाओ पैर का जो पीछे की तरफ आपको क्या है दिखाई देता है, नर्स जो दिखाई देता है बहुत ज़्यादा इकट्ठा होकर मतलब रहता है, इसमें ब्लू कलर का मतलब रहता है, आप लोगों को पता हो जाएगा होगा, बहुत आदमी का है फेरिकोस वेंस बोलता है उसको, वो होने से भी इसमें फोर्स में एक्सेप्ट नहीं करता, हल्का फुल्का में चल जाएगा, जिसका ज़्यादा है उनको अनफिट कर सकता है दोस्तों, इसमें कोई ये नहीं। उसका बाद आ जाता है स्किन,
स्किन का प्रॉब्लम होने से भी आपको निकल सकता है। फंगल इन्फेक्शन पूरा शरीर में आपका है तब तो आपको निकल सकता है। हल्का फुल्का में कहीं आपको होए, आप ठीक हो गया, उसका दाग है हल्का सा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी का ठगा का दाग है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका बाद आ जाता है जो, और एक मेन बात मैं भूल गया था, जो प्रेगनेंसी टेस्ट आपको ज़रूर करेगा, क्योंकि प्रेग्नेंट तो नहीं है आप, क्योंकि प्रेग्नेंट होगा तो आप मेडिकल कैसे करेंगे, इसलिए मतलब कैसे आप लोग ट्रेनिंग करेंगे। इसलिए आपको क्या है, प्रेगनेंसी होने के बाद ही आपको टाइम मिलेगा मेडिकल के लिए, क्योंकि जैसे आप लोगों का डिलीवरी मतलब जो हो जाएगा होने के बाद ही आप लोगों को मेडिकल करेगा दोस्तों। प्रेगनेंसी के टाइम आपको मेडिकल नहीं करेगा, आपको अलग टाइम मिलेगा आपको, क्योंकि यूरिन टेस्ट भी करेगा, अल्ट्रासाउंड भी कर सकता है, ज़्यादा शौक हो जाएगा तो। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा बात ध्यान देना है। इनका बात आ जाता है आप लोगों को मेडिकल का बारे में, मैं प्रॉपर बता दिया हूँ। कोई भी ऑपरेशन आप क्या है 3 महीने पुराना होना चाहिए, ये सब कुछ बात ध्यान रखना। और बाकी इतना कोई टेंशन लेने का कोई बात नहीं, आप अच्छे से मेडिकल दीजिए। और यही था वीडियो, और वीडियो कैसा लगा, वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। जय हिंद, वंदे मातरम।